This is your syllabus outline for online classes. Dear student, sabak number 15. Sabak number 15, Suti Aloodgi. Suti Aloodgi, sabak number 15. जी तो प्यारे बच्चों, निकालिए सफ़ा नंबर 93. 93 जी, ये देखें 93 पेज नंबर. जी बच्चों, आज हम आपका जो सबक है सूती आलूदगी, इसकी रीडिंग करेंगे. सबसे पहले आपको बताते चलें कि सूती आलूदगी का क्या मतलब है. सूत का मतलब प्यारे बच्चों होता है आवाज़. सूत का मतलब होता है स्वाद, वाव, सूते, सूत. सूत का मतलब होता है आवाज़. आलूदगी होता है गंदगी. सूती आलूदगी यानी कि आवाज़ के ज़रिए फैलने वाली गंदगी या आलूदगी. ये किस तरह फैलती है, ये आपको हम इस चैप्टर में साथ साथ डिटेल के साथ बताएंगे. तो चलें हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. मेहनाज अपने पढ़ाई के कमरे में बैठी इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ़ थी. इतवार का दिन था. इसके छोटे भाई फरहान का स्कूल बंद था और वो घर पर ही खेल कूद में मगन था. इनके अब्बू और अम्मी घर का सामान खरीदने बाजार गए थे, इसलिए फरहान को मौज मस्ती की आज़ादी मिल गई थी. मौज मस्ती यानी कि शरारतें करने की और इन्जॉय करने की. इसने ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया और मौसीकी की धुन पर खुद भी ज़ोर ज़ोर से गाने और थिरकने लगा. थिरकने का मतलब है प्यारे बच्चों यानी कि अपने जिस्म को हिलाना जुलाना, जिसे आप डांस बोलते हैं. ये वैसे हमारे इस्लाम में हराम है, लेकिन अभी चैप्टर में ये शामिल है. पढ़ रहे हैं हम इसको, तो डिटेल जो है आपको बताना भी ज़रूरी है. मेहनाज का ध्यान पढ़ाई से बार बार भटक रहा था. देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हैं बैठे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ रहे हैं बैठे और कोई भी बच्चा शरारत कर रहा है, ऊँची आवाज़ में उसने टीवी लगा लिया या ऊँची आवाज़ में रेडियो या कोई ऊँची आवाज़ में मोबाइल पर कोई वीडियो लगा ली, तो आप डेफिनेटली आप पढ़ नहीं सकेंगे. आपको अपना सबक याद कभी भी नहीं होगा. तो आपका जो आपकी जो तवज्जो है वो बार बार भटकेगी, यानी कि बार बार आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होगी. आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या याद कर रही हूँ या मैं क्या पढ़ रही हूँ. इसने फरहान से रेडियो की आवाज़ कम करने को कहा, लेकिन फरहान अपनी धुन में मस्त था. इसने मेहनाज की एक ना सुनी. मेहनाज गुस्सा पी कर रह गई यानी कि मेहनाज को गुस्सा बहुत आया, लेकिन उसने जब्त कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया. जैसे ही इसकी अम्मी बाज़ार से लौटी यानी कि वापस आई, मेहनाज ने फरहान की हरकत की बताई. अम्मी ने गुस्से में फरहान को आवाज़ दी. फरहान भीगी बिली बना इनके सामने हाजिर हुआ. भीगी बिली यानी कि इतना मासूम बन के आ गया जैसे इसने कुछ किया ही ना हो. अम्मी ने इसे डांटते हुए पूछा, ऊंची आवाज़ में रेडियो क्यों बजा रहे थे? फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया. चुपचाप बुत बना खड़ा रहा. बुत बना यानी कि जैसे बुत होते हैं ना, वो हरकत नहीं करते, बोलते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे कोई बुत होता है, ना बोल रहा था ना हिलजुल रहा था. इतने में अबू ने मामले को समझते हुए फरहान को आवाज़ दी और इसे अपने कमरे में आने को कहा. फरहान, जी अबू अभी आया, कहकर अबू के कमरे में दाखिल हुआ. पेज नंबर 94 निकालें, 94. अबू ने फरहान को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाते हुए कहा, बेटे अब आप बड़े हो रहे हैं, चौथी जमात में जा चुके हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि तेज़ और ऊंची आवाज़ से शोरगुल बढ़ता है और सूती आलूदगी फैलती है, जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है. फरहान, अबू ये सूती आलूदगी क्या होती है? अबू, बेटे सूत के मायने आवाज़ के होते हैं और आलूदगी के मायने गंदगी के, यानी ऊंची और तेज़ आवाज़ से पैदा होने वाली गंदगी को सूती आलूदगी कहते हैं. फरहान, तो इससे हमें नुकसान कैसे पहुंचता है? अबू, बेटे हर तरह की आलूदगी से नुकसान पहुंचता है. जैसे फ़ज़ाई आलूदगी से हवा गंदी होती है, फ़ज़ा यानी कि हवा की आलूदगी को कहते हैं.
जैसे हवा में गंदी गैसें और गाड़ियों के धुएं वगैरह शामिल होकर फ़ा को आलूदा कर देते हैं और उसी फ़ा में हम सांस लेते हैं। जैसे फ़ाई आलूदगी से हवा गंदी हो जाती है और जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं तो कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। हमारी आँखों, फेफड़ों और जिल्द पर यानी स्किन पर फ़ाई आलूदगी का बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी तरह पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। यानी कि पानी की आलूदगी कैसे होगी प्यारे बच्चों? जैसे कि हम लोग दरियाओं या समुद्रों पर सैर व तफरीह के लिए जाते हैं तो जो खाने पीने वाली चीज़ें वो वैसे ही फेंक देते हैं, और बड़े बड़े कारखानों का जो गंदा मटीरियल होता है वो भी दरियाओं समुद्रों में फेंका जाता है, तो उससे क्या होता है कि पानी हो जाता है और वो पानी जब हमारे या पानी में रहने वाले जानवरों के इस्तेमाल में आता है तो वो कई तरह की बीमारियाँ उनको लग जाती हैं। पानी की आलूदगी से भी हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। गंदा पानी पीने और गंदे पानी में नहाने से कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, और आलूदा पानी सिंचाई के लायक नहीं रहता। अब सिंचाई क्या होता है जी प्यारे बच्चों? सिंचाई होती है खेतों को पानी देने के अमल को सिंचाई बोलते हैं। खेतों को जो पानी दिया जाता है उसको सिंचाई बोलते हैं। फरहान, लेकिन अबू ये आलूदगी फैलती कैसे है? अबू, बेटे ना समझ और खुद गर्ज लोग ही आलूदगी फैलाने के ज़िम्मेदार हैं। यानी कि जिन लोगों को अपने मुल्क की, अपने शहर की फिक्र नहीं होती, खुद गर्ज होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना पता होता है, वो ही लोग आलूदगी फैलाते हैं। दरअसल कुदरत ने हमें ज़िंदा और सेहतमंद रहने के लिए साफ हवा, साफ पानी, पेड़ पौधे और पुरसकून फिजा की नेमत से नवाजा है। ये सब मिलकर हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार रखने के लिए बेहतर माहौल पैदा करते हैं। लेकिन हम इंसान पेड़ पौधों को काटकर धुआं और जहरीली गैस उगलने वाली कारखाने लगाकर शोर पैदा करने वाली मशीनें और सामान बनाकर अपने माहौल को आलूदा करते जा रहे हैं। इससे हमारी सेहत और ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कारखाने हैं, घरों में वॉशिंग मशीनें हैं, फ्रिजें हैं, एसी है, ठीक है, और गाड़ियों पर जहरीला धुआं, इन सब के जो असरात होते हैं वो आलूदगी पे आलूदगी पैदा करते हैं। इन सब के जो जहरीली गैसें होती हैं उसकी मदद से, गाड़ियों के धुएँ से, कारखानों के धुएँ से, इससे ये हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फरहान, अबू सूखी आलूदगी की रोकथाम के लिए कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए? रोकथाम का मतलब होता है यानी कि सूखी आलूदगी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तरकीब अपनानी चाहिए? अबू, बेटे हमें आवाज़ की आलूदगी की रोकथाम के लिए अपने आसपास का शोर कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर नहीं बजाना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। देखिए बच्चों, इससे हमें क्या समझ आता है कि हमें तेज़ आवाज़ में रेडियो, टीवी या टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना चाहिए। देखिए, हमारे इर्द गिर्द में लोग रहते हैं, हमारे घरों में भी लोग रहते हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है, कोई स्टडी कर रहा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई बीमार होता है, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल करें ताकि कोई भी हमारी वजह से परेशान ना हो और हमारी वजह से सूखी आलूदगी ना फैले। और गाड़ी का हॉर्न बजाना हमारी मजबूरी है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ी का हॉर्न ना बजाएं, ठीक है, जहां आपको ज़रूरत है वहीं पर बजाएं। फरहान, अबू मैं अब कान पकड़ता हूं। कान पकड़ता हूं से मुराद है प्यारे बच्चों, यानी कि बच्चा जो है वो अपनी गलती को मान रहा है और कहता है कि मैं कान पकड़ता हूं, यानी कि मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं अब दोबारा से, कान पकड़ने का ये मतलब होता है कि मैंने तौबा की है और अब मैं दोबारा इस काम को नहीं करूँगा। अबू मैं अब कान पकड़ता हूँ, कभी तेज़ आवाज़ से रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर नहीं बजाऊंगा। मैं दूसरों को भी आलूदगी से पहुंचने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। शाबाश बेटे, आप तो वाकई बहुत समझदार हो गए हैं। जी बच्चों, जैसे फरहान ने कहा है ना कि आलूदगी से पहुंचने वाले नुकसान के बारे में दूसरों को भी बताऊँगा, तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने भी इस चैप्टर को 3-4 दफ़ा इसकी रीडिंग करनी, बार बार करनी, इसको समझना है, और अपने दोस्तों को भी आप बताएं कि सूती आलूदगी क्या होती है और इसकी वजह से क्या नुकसान हमें और दूसरों को पहुंचता है, ताकि हम इस चीज़ से जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 96 निकाले, 96, इसमें ये अल्फाज मैंने, इसको ज़रा हम पढ़ लेते हैं। गुस्सा पीना यानी कि गुस्से पर काबू पाना, बुत बनना, बिल्कुल खामोश और बेहरकत हो जाना,
नेमत यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से बख्शी हुई चीज़, भीगी बिल्ली बनना यानी शर्मिंदा और पशिमान होना, फिज़ा यानी कि ज़मीन और आसमान के बीच की खुली जगह। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ के हमें क्या सबक हासिल होता है? जैसे कि जिस तरह हवा और पानी की गंदगी हमें नुकसान पहुंचाती है, इसी तरह तेज़ आवाज़ भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी और हवा ज़रूरी है। इसी तरह अच्छी सेहत के लिए खुशगवार माहौल भी ज़रूरी है। तेज़ आवाज़ में रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्डर बजाने से परहेज़ करना चाहिए। बहुत ऊंची आवाज़ इंसानी कान के पर्दों पर बुरा असर डालती है। जी बच्चों, ये हमारा है हासिल सबक। आप गौर करें कि इस सबक से हमें हासिल सबक जो है वो हमें क्या हासिल होता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं। आज डेट क्या है जी बच्चों? ऊपर हम डेट लगाएंगे 30 नवंबर। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने डेट लगाना नहीं भूलना, क्योंकि ये बहुत बैड हैबिट है बच्चों की, वो सारा काम कर लेते हैं और डेट एंड डे ऊपर नहीं लगाते। ये बहुत बुरी बात है। सबसे पहले जो है आप डेट एंड डे लगाएं, आगे लिखें जमायत का काम। जमायत का ही काम है ये, बिल्कुल आप जमायत का काम इस पर लिखेंगे। आज प्यारे बच्चों, डेट जो है वो मैंने गलत लगा दी है। आज है जी 1 दिसंबर, ठीक है, और दिन है मंगल। ओके, अब हम नीचे लिखेंगे हासिल सबक। इस सबक से हमें ये सबक हासिल होता है कि हम तेज आवाज में टीवी या रेडियो बजाने से और अपने माहौल को खुशगवार बनाने में अपना किरदार अदा करें, ताकि सब लोग हर किस्म की आलूदगी से बच सके। जी तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी की चीज़ें करवाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सारे काम को नीट एंड क्लीन उतार के याद कर लीजिएगा, और टाइमली आपने दी हुई डेट पे इसको चेक करवाना है। अल्लाह हाफिज़।